हे भगवान, मुझे रास्ता दिखा, रास्ता दिखा कि मैं क्या करूं, क्या करूं मैं। छोड़ गया यहाँ। ये बच्चा किसका है? ये बच्चा आपका है? आपका है ये बच्चा? ये बच्चा किसका है? सुनिए, ये बच्चा किसका है? जन्माष्टमी के दिन तूने मुझे मेरे जीने का सहारा दे दिया। मैं इसका नाम कृष्णा ही रखूंगी। क्यों बचाया मुझे? मर जाने दो, मर जाने दो। पागल हो गई हो? क्यों मरना चाहती हो? बेवकूफ, जिंदगी एक नेमत है जो बार बार नहीं मिलती। जो जिंदगी नेमत की जगह बद्दुआ बन जाए। मैं ऐसी बेसहारा और बेमकसद जिंदगी नहीं जीना चाहती, मर जाना चाहती। अगर ऊपर वाला तुम्हारी जिंदगी को सहारा ना देना चाहता तो हमें बचाने के लिए क्यों भेजता? जा रहे, पकड़ ला उसको। अबे कहाँ जाता है बुड्ढे? ए बुढ़ो। लाला, आज तो पैसे लिए बगैर मैं जाने वाला नहीं हूँ। तुम्हारे पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ लाला। इंस्पेक्टर, खाली करो इसका मकान। अभी खाली करवा देता हूँ। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर रुको। चलो। इंस्पेक्टर को रोको। लाला, मुझ पर दया करो, मेरे बाल बच्चों पर दया करो। तुझ पर दया करूं? बापू, बापू, बापू। मकान खाली करवाने की जरूरत नहीं रही। रुक जाओ इंस्पेक्टर, तेरी बेटी को देखते ही मुझे रहम आ गया। मैं इसे ले जाता हूँ, पैसे दे जाना और इसे ले जाना। चल। छोड़ दे कमीने, घर में माँ बहन नहीं है क्या? है, लेकिन तू नहीं है। चल। लाला को कोई तो रोको। कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी बस्ती की इज्जत पर हाथ डालने की? ए बुढ़िया, चल फूट यहाँ से। क्यों? ये लड़की तेरी बहन लगती है जो लाला के बिस्तर पर भेज रहा है? बुढ़िया, कानून के कुत्तों, पैसों के बदले में गरीबों की इज्जत लूट लेना कहाँ का कानून है? कानून है, बताऊं? मौसी, मौसी, मौसी। ये है हमारा कानून। और दिखाऊं? ये है हमारा कानून। शाबाश इंस्पेक्टर, शाबाश। कर दो इसका भी चीर हरण। एक द्रौपदी और तीन तीन दुर्योधन। उस द्रौपदी को बचाने के लिए तो कृष्ण आया था, अब तुझे बचाने कौन आएगा? इसे बचाने भी कृष्णा ही आएगा। कृष्णा, कृष्णा। Ha 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 ha!
दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो, दरवाजा तोड़ दो, तोड़ता हूँ। खून के धब्बे बता रहे हैं कि ये सब कत्ल तूने किए हैं। हाँ, ये सब कत्ल मैंने किए हैं। कृष्णा का जन्म ही जुल्म को मिटाने के लिए हुआ है। अच्छा, ले चलो इसे। हेरो। ये कत्ल इसने नहीं, मैंने किए हैं। क्या कहा तूने? तेल लगा के? तेल लगा के नहीं, तलवार की धार से काटा है मैंने इन्हें। बहुत जबान चलाती है। फांसी का फंदा जब गले में पड़ेगा ना, तो ये जबान भी लटक जाएगी। अरे जो होगा देखा जाएगा, तू ले चल तेल लगा के। मेरी नकल करती है? चल चल, चल तेल लगा के। रुक जाओ, ये कत्ल मैंने किए हैं। क्या कहा तूने? नहीं, ये सब कत्ल मैंने किए हैं। क्या? ये कत्ल मैंने किए हैं? नहीं, ये सब कत्ल मैंने किए हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये सब कत्ल मैंने किए हैं। खामोश। शट अप। दिन दहाड़े सरेआम सरे बाजार दो दो पुलिस ऑफिसर्स का कत्ल हो गया। तुम मुजरिम तो दूर, एक मामूली सा सुराग तक नहीं ढूंढ कर ला सके। सर आप सुराग की बात करते हैं? वहाँ बस्ती का हर बाशिंदा बोलता है कि कत्ल उसने किया। आप ही बताइए सर, मैं सारी की सारी बस्ती को तो अंदर नहीं ठोक सकता ना तेल लगा के। सॉरी सर, सॉरी। सॉरी, तुम जा सकते हो। यस सर। मोरे। यस सर। बस्ती में जो दो पुलिस वालों का खून हुआ है, इस केस की इंक्वायरी तुम करोगे। ओके सर। कमिश्नर साहब, मारवे रोड पे कुछ टेररिस्ट बच्चों की बस को किडनैप करके ले जा रहे हैं। कंट्रोल। हाँ इंस्पेक्टर अमर, अभी खबर मिली है कि मारवे रोड पर। खामोश! अगर किसी ने आवाज निकाली तो गोली मार दूंगा। आगे से खाली जीप आ रही है। तुम इन्हें संभालो, मैं जीप देखता हूं। जाओ।
जितने घमंड के साथ तू ये ताला लगा रहा है ना इंस्पेक्टर, उतनी शर्म के साथ अभी थोड़ी देर में ताला खोलना पड़ेगा। ए इंस्पेक्टर, शराफत से काम ले, कहीं ऐसा ना हो जाते जाते हमको ये तेरी वर्दी साथ लेके जाना पड़े। ए पुलिसिये, अपने इन हाथों को अपने काबू में रख, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। जब तुझे ये मालूम चलेगा कि हम वैल जी के आदमी है, वैल जी के, समझा तू? ए जरा मंत्री साहब को फोन दे, हम कौन बोल रहे हैं, हम उनके बाप बोल रहे हैं। अरे क्या बात है वैल जी भाई, आप रो क्यों रहे हैं? अरे रोए नहीं तो क्या करें, हंसे? वो तेरे इंस्पेक्टर ने हमारे तीन आदमी पकड़ लिए हैं, वैल जी भाई की लुटिया डुबो दी है। अगर 5 मिनट के अंदर हमारे आदमी नहीं छुटे तो हम तेरा लोटा डुबो देंगे, समझे? हेलो, मैं तुम्हारा मंत्री धर्मचंद बोल रहा हूँ। हेलो सर, अभी अभी तुमने बिल्ला रंगा और शाका को पकड़कर गिरफ्तार किया है, ये हमारा हुक्म है कि उन्हें अभी इसी वक्त रिहा कर दो। लेकिन सर वो तीनों खूंखार और खतरनाक आतंकवादी है। शट अप, इतने शरीफ लोगों पर ऐसे संगीन इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? लेकिन सर ये हमारा हुक्म है कि उन्हें अभी इसी वक्त आजाद कर दो। दिस इज माय ऑर्डर, पास। ओके सर। चल निकल तू इधर से, चल। ए तू भी निकल इधर से, चल चल निकल। देखो तुम लोग चारों तरफ से घिर चुके हो, बेहतरी इसी में है कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम्हारी कोई भी हरकत, जितने भी लोग अंदर हैं, इन सब की मौत का कारण बन सकती है कमिश्नर, समझे? इंस्पेक्टर, कोई गोली नहीं चलाएगा। देखा सर, ये वही आतंकवादी है जिन्हें आपने छोड़ने का हुक्म दिया था। तुमने जो बहादुरी दिखाई है इसका इनाम हम तुम्हें जरूर देंगे। थैंक यू सर। वो हरामी इंस्पेक्टर ने हमारे तीन आदमी मार दिए हैं, उसको जल्दी से जल्दी डिसमिस करो। तुम उसे वर्दी से डिसमिस करो, मैं उसे जिंदगी से डिसमिस करता हूँ। सर आप अब ये सैल्यूट मारने का और निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारने का अधिकार हमने तुमसे छीन लिया है, ये लो। ये क्या है सर? वो जो तुमने हमारे आदमियों को हमारे कहने पर जेल से रिहा करने के बजाय दुनिया से रिहा करने की बहादुरी दिखाई है, ये उसका इनाम है, तुम्हारा डिसमिस ऑर्डर।
क्या बदतमीजी है? अरे पागल हो गए हो? होश में तो हो? तुम्हें होश में ला रहा हूं। कल के हर अखबार, हर न्यूज़पेपर में ये फोटो छापेंगे और ये मोटे मोटे अक्षरों में हेडलाइंस होगी, मंत्री धर्मचंद की धुलाई। वो धर्मचंद जो धर्म के नाम पर कलंक है। अरे क्या बकवास करते हो भाई, इलेक्शन सर पर है, इन थप्पड़ों के फोटो से तो मेरी कुर्सी छिन जाएगी। तू मेरी कुर्सी छीन रहा है? जनता तेरी कुर्सी छीन लेगी। ठीक है, दिस ऑर्डर इज डिसमिस्ड। खुश, जब इलेक्शन होता है तो कटोरा लेकर वोट मांगने आ जाते हो और काम होता है तो जूते खाकर आ जाते हो। वो कहते हैं ना कि कुत्ता अपनी गली में शेर होता है। बस वेल जी बस, बहुत बदतमीजी कर ली तूने और बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। ये मेरी कुर्सी है जिसके बलबूते पर तू इतना उछलता है। मैं तुझ जैसे कमीने के लिए अपनी कुर्सी कुर्बान नहीं करूंगा, बल्कि कुर्सी पर तुझे कुर्बान कर दूंगा, समझा? हाँ, नमस्कार मंत्री जी। नमस्कार। अड़? अरे इसको क्या हो गया? क्या बात है भैया, ये मंत्री जी आग बबूला क्यों हो गए? वो कुत्ते को कुत्ता कहा तो गुर्राने लगा ज्यादा। प्रणाम वेल जी भाई। जीते रहो जीते रहो। आलुओं से भरा हुआ ट्रक बाहर खड़ा है, सब्जी मंडी पहुंचाना है बैराम जी भाई को। जो आलू के बड़े व्यापारी है वहां पहुंचा दो। बैराम जी भाई को बोलना मुझे फोन कर दे। जाओ। जी हाँ, मैं फोन जरूर करवा दूंगा। नमस्कार। भैया इस लौंडे के हाथ करोड़ों रुपयों के हथियारों से भरा हुआ ट्रक सौंप रहे हैं आप, क्या हो गया? अरे ये इतना भोला दिखता है कि कोई शक नहीं करेगा कमीने पर। हेलो, मैं अभी बुलाता हूँ। रवि को तो ये भी नहीं मालूम कि उस ट्रक में आलू के नीचे हेरोइन और हथियार है। बेचारा रवि। अच्छा ये बात है, बैठो, तुम इस पे लिखो अपनी कंप्लेन। तुम्हारी इस कंप्लेन पे तुम देखना मैं कैसे वेल जी को ठोकता हूं तेल लगा के, सारे शहर में कुत्ते की तरह घसीटूंगा साले देशद्रोही को। क्या बकते हो, अभी तक ट्रक नहीं पहुंचा तो गया कहां? कहां गया? हेलो वेल जी, तेरा हथियारों से भरा हुआ ट्रक पुलिस स्टेशन पहुंच चुका है। ये ट्रक वहां कैसे पहुंचा? अरे तेरा वफादार कुत्ता रवि यहां पहुंचा गया है। क्या हुआ पापा? अरे दूर हटो यार, हम रवि की होने वाली मौत पर आंसू बहा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि पानी में रह के मगरमच्छ के साथ बैर नहीं करना चाहिए, जो करता है वो मरता है। मार डालो साले को। ये नहीं पापा, मेरे पापा के साथ गद्दारी करने वाले को मैं मारूंगा पापा, मैं। क्या कर रही हो नीलम? क्या करूं भाभी, मेरी दाई आंख बहुत बुरी तरह से फड़क रही है। तू तो बहुत ही वहमी लड़की है। भैया जब भी मेरी दाई आंख फड़कती है कुछ न कुछ जरूर होता है। अरे कुछ नहीं होता बाबा, जा जाके सो जा। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। लगा के
आखिर मैंने क्या क्या है? क्या है? देख इस लड़की की तरफ, क्या कहे ढाए तूने इस पर? मैंने? हाँ तूने, चाहता तो वेल जी और उसके बेटे की लाशें ले आता और तेरे कंधे पर लाद कर सारी दुनिया के सामने तेरी बेईमानी का जुलूस निकालता, लेकिन उन हरामजादों से ज्यादा रवि की मौत का जिम्मेदार तू है। रवि ने तुझे ईमानदारी दिखाई और तेरी बेईमानी ने उसे मौत। चल एफआईआर लिख। हाँ लिखवाइए। वेल जी के लड़के ने मेरे भैया और भाभी को मेरी आंखों के सामने गोलियों से छलनी कर दिया। बहन जी यहाँ साइन कर दीजिए तेल लगा के। अगर कल सुबह का सूरज निकलने से पहले वो लड़का सलाखों के पीछे नहीं हुआ तो तू मौत की सलाखों के पीछे होगा। बिल्कुल। एक बात और वेल जी से कह देना, ये लड़की मेरी जान है, अगर किसी ने इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसके सारे खानदान की आंखें निकाल दूंगा। ये आंखें जरूर निकाल सकता है वेल जी, तेल लगा के। तुम जरूरत से ज्यादा राजा से डर रहे हो मारू। मेरी जगह राजा ने तुम्हें धोया होता ना तो ये जबान चलने की बजाय हलक में अटकी होती तेल लगा के। दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन तुम मुझे ले जा नहीं सकते। देखो तुम लोग बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे और मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। मारो, हमारा बेटा हमारी जान है, अगर हमारे बेटे की जान को आंच आ गई तो हम कितनी जान ले सकते हैं उसका अंदाजा नहीं है तुम्हें। यार प्रॉब्लम क्या है, हम लोग इतने बरसों के दोस्त हैं, मैं इसे ऐसे रखूंगा कि जैसे ये फाइव स्टार होटल में हो। हाँ इसकी जान पे एक ही सूरत में आंच आ सकती है और वो है वो लड़की जो आई विटनेस है। उस लड़की का क्या करना है, कैसे तेल लगाना है ये तुम सोचो। चलो जा। शाबाश, आप फिक्र मत करो भैया, सिद्धार्थ मेरा भी अजीज है, उसे पहचानने वाली आंख को मैं हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। कितने पैसे हुए? Thank you.
को इतला किए बगैर हम इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर साहब, तब तक गोली का जहर तो इसके सारे शरीर में फैल जाएगा। डॉक्टर साहब, इस बेचारे ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? नर्स, पुलिस स्टेशन फोन लगाओ। डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर समझने की कोशिश कीजिए। एक अजनबी लड़की के लिए इसने इंसानियत के नाते अपनी जान दांव पर लगा दी और आप इसे पुलिस केस बना रहे हैं? आपका जमीन मर चुका है, इंसानियत दम तोड़ चुकी है। आप जैसे डॉक्टरों की वजह से हमारा इज्जतदार पेशा बेइज्जत और बदनाम हो रहा है। मैं करूंगी आपका इलाज, आइए। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। इधर आ, इधर आ, बिच्छू दे, ये ले, अब जा। बचाओ, 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 सुनता भी नहीं है। हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई, बचाओ। अरे क्यों चिल्ला रही है? मुझे बिच्छू ने काट लिया कृष्णा। बिच्छू ने कहाँ? नीचे। कहाँ है? और ऊपर। मुझे बिच्छू लड़ गया रे,
नमस्ते। ये लो राजा बेटे, हमारी तरफ से प्यार भरी भेंट। अब तुम्हारी दया से कोई गुंडा हम पर जुल्म नहीं करता बेटे, लो। मुलजिमों को जालिमों से बचाना राजा का फर्ज है। मैं चलूं बेटे? जाओ। राजा भैया आप बहुत अच्छे हैं। इन यतीमों का तुम ही सहारा हो बेटा। सहारा नहीं, सिर्फ जरिया हूँ मास्टर जी। ये लो, इन बच्चों को ऐसी शिक्षा दो कि इन्हें दुनिया में किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। धन्य हो बेटा जी, नमस्ते। चलो बेटा आओ बच्चों। ये लो माँ जी, अब अपनी बेटी की शादी में कोई कसर मत छोड़ना। हम गरीबों के लिए, तुम तो भगवान। नहीं माँ जी, ये क्या माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? हाँ भगवान नहीं, मैं आपका बेटा हूँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। ये बाकियों में बांट देना और रीटा को जरूर देना। जी। नीलम, नीलम क्या हुआ नीलम? हाँ बोलती क्यों नहीं, किसने की तुम्हारी ये हालत? हाँ नीलम तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? देखो तुम्हें मेरी कसम, बेल जी के भाई ने मेरी जान लेने की कोशिश की, आज अगर वो फरिश्ता नहीं आया होता मैं तो जिंदा नहीं रहती। बता नागेश्वर कहाँ है? ये नहीं मालूम। यहाँ है नागेश्वर, यहाँ खड़ी है तेरी मौत। नहीं राजा, नहीं। छोड़ दे नीलम, यही वो हरामजादा ना जो तेरी जान लेना चाहता था, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजा नहीं, नहीं राजा, तुम्हें मेरी कसम तुम इसे नहीं मारोगे। अपने भैया और भाभी को तो मैं खो ही चुकी हूँ राजा, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी राजा, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अपने जिस भतीजे की जान बचाने के लिए तू इसकी जान लेना चाहता था उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती। कोर्ट में जब भी तारीख आएगी इसे मैं लेकर आऊंगा। सिद्धांत पटेल को फांसी के तख्ते तक मैं पहुंचाऊंगा। मैं ये रुपए राजा ने भेजे हैं। शुक्रिया। ये क्या बदतमीजी है? मेरा भी तो शुक्रिया अदा करो मेरी जान। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे, वरना सारी बस्ती को जगा कर इकट्ठा कर लूंगी। देखता हूँ कौन तेरी मदद कर सकता है। छोड़ दे मुझे। चाचा, चाचा, मेरी इज्जत बचा लो, ये आदमी मेरी इज्जत लूटना चाहता है। चाचा कौन है वो हरामजादा? ये तो राजा का आदमी है, ना भागना। कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो शैतान से बचाओ, कोई तो बचाओ, 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 कोई तो मेरी मदद करो, बचाओ, 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 बचाओ। अगर अपनी जिंदगी की सलामती चाहते हो तो उस लड़की को मेरे हवाले कर दो, छोड़ दो इसे। क्या किया कृष्णा?
राजा के आदमी को मार डाला। अरे ये राजा तो अपनी बस्ती को शमशान बना देगा, शमशान। अगर राजा इतना ही नीच आदमी है तो आने दो उसे। अरे वो क्या इस बस्ती को शमशान बनाएगा, अपन उसे यहां जिंदा ही काट देगा। राजा के आदमी को मारने की जरूरत किसने की? बस्ती में कृष्णा नाम का एक लड़का है, उसने। किल हिम। इसके संस्कार का इंतजाम करो। रीटा, तुम्हारे ये रुपए लौटाने आई हूँ। आज के बाद अपने किसी ऐसे आदमी को मेरी मदद के लिए मत भेजना जो मुझ जैसी बेसारा लड़की की इज्जत लूट ले। मैं तो दूसरों की माँ बहन के लिए बलि चढ़ जाऊं, तू तो मेरी मुंह बोली बहन है। बता किस हरामजादे ने तेरे साथ ऐसी जुर्रत की? जानना चाहते हो? तुम्हारे इसी पालतू कुत्ते ने मेरी बड़ी बस्ती में इज्जत लूट ली होती अगर मुझे कृष्णा ना बचाता। दूसरों को जख्म देने वाले, आज मेरा जख्म अपने पे ले लिया। ये जख्म नहीं, प्राश्चित है। प्राश्चित? हाँ। अगर मेरे आदमी तुम्हें गोली मार देते तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। लेकिन मेरे लिए अपनी जान खतरे में डालने की वजह? किसी लड़की की इज्जत की खातिर जो कल्लू के साथ टकरा जाए वो गुंडा नहीं, राजा के नक्शे कदम पर चलने वाला उसका भाई हो सकता है। बहुत ही गंदी तस्वीर थी आपकी मेरी नजरों में, लेकिन मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि आप इतने नेक और ऊंचे इंसान हैं। जी चाहता आपके पांव छू लूं। भाई पांव नहीं छूते, गले लगते हैं। बहुत देर हो गई राजा को। ये क्या हुआ? खून की चंद बूंदे बहाकर मैंने अपने जमीर का खून होने से बचा लिया। तुम? जी। यह है कृष्णा जिसने रीटा की इज्जत बचाई थी। वेलजी के गुंडों से मेरी जान भी इसी ने बचाई थी। कुछ लोग धरती से पाप मिटाने के लिए ही जन्म लेते हैं। जैसे कि आप? नहीं तुम। नहीं आप। आप और तुम नहीं, हम। कृष्णा। क्या है? ये लो प्रसाद। प्रसाद? हाँ, आज मैं शंकर जी के मंदिर में मन्नत मांग कर आई हूँ। 7, 16 या 21 सोमवार नहीं, बल्कि तब तक भूखी रहूंगी जब तक तू ये नहीं कह देता कि तू भी मुझसे प्यार करता है। फिर तो तुझे जिंदगी भर भूखा ही रहना होगा, क्योंकि क्योंकि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का अंजाम नहीं मालूम है ना। हाँ। मगर मुझे मेरी जिंदगी का अंजाम मालूम है। जिस जिंदगी में तू नहीं है उससे तो मौत कहीं अच्छी है। मतलब? तेरा प्यार मुझे मिल नहीं सकता और तेरे बगैर मैं जी नहीं सकती, और इसका तो एक ही रास्ता है, मेरी मौत, सिर्फ मेरी मौत। प्यार, 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 प्यार। इंक्वायरी, इंक्वायरी, इंक्वायरी। दो दो पुलिस वालों का खून हो गया है और अभी तक तुम लोग झक पा रहे हो।
सर कोई भी चश्मदीद गवाह सामने आ... शट अप। अब इस केस की इंक्वायरी इंस्पेक्टर अंबर करेगा। नाम बोल तेल लगा के। कृष्णा। बाप का नाम बोल। मालूम नहीं। मालूम नहीं, बाप का नाम मालूम नहीं, इसका मतलब साले तू हरामी है, हरामी। तू किसी रंडी की औलाद है। तेरी ये हिम्मत पुलिस स्टेशन में पुलिस अफसर पर हाथ उठाता है। इसने अपुन को गाली दी है, अपुन इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जान लेगा तू, जान लेगा। जान तो तूने पहले भी तो पुलिस वालों के लिए है। क्या सबूत है तेरे पास? सबूत? तेरे गुनाह कबूल करवाने के लिए मुझे इस पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया है। सपने देखना छोड़ दे इंस्पेक्टर, सपने हकीकत में बदल दूंगा। सिर्फ तू ही नहीं, तेरा रोम रोम ये कबूल करेगा कि सारे कत्ल तूने ही किया है। अबे जा। Well done. सर, आप यहां? हम जानते थे इस खतरनाक मुजरिम को सिर्फ तुम ही पकड़ सकते हो। हमें फख्र है कि हम तुम जैसे बेटे के बाप हैं। I'm proud of you. कृष्णा की माँ ने मुझे बताया कि तुम इसे कितनी बेरहमी से यहाँ घसीट कर लाए हो। अगर दूसरा ये जुल्म करता तो वो मुजरिम कहलाता, मगर तुमने ये किया है तो ये तुम्हारा कानून है। क्यों ना हो, कानून वाले जो तुम ठहरे। मतलब की बात करो। मैं कृष्णा को जमानत पर ले जाने आया हूँ। लीजिए सर, शहर का सबसे बड़ा गुंडा दूसरे गुंडे को जमानत पर ले जाने आया है। ये आपकी जबान है इंस्पेक्टर, हमारी जबान में तो शहर का एक जिम्मेदार आदमी दूसरे जिम्मेदार आदमी को गुंडों के इस अड्डे से बचाने आया है। सच पूछो तो गुंडे और गुंडागर्दी यहीं से जन्म लेते हैं, जिसे आप पुलिस स्टेशन कहते हैं। क्या बकते हो तुम? हम समाज को बचाने के लिए नजायज शराब के धंधे और जुए खाने बंद करवाते हैं, और पुलिस वाले हफ्ता खाकर उन्हें शहर में जहर फैलाने की इजाजत देते हैं, तो कौन है गुंडा? बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम। हम दूसरों की माँ बहनों की इज्जत पर कुर्बान हो जाते हैं और कानून वाले कोठे वालियों की दलाली खाते हैं, तो फिर कौन है गुंडा? खामोश! अपनी जबान को लगाम दो। इसके आगे एक लफ्ज भी निकला तो अलग से जबान खींच लूंगा। हमारे इस सामने हमारी वर्दी, हमारी ईमानदारी, हमारे फर्ज पर कीचड़ छा रहे। समुंदर में मुट्ठी भर शक्कर डालने से उसका नमक कम नहीं हो जाता कमिश्नर साहब। तुम भी जा सकते हो। तुम्हारी जमानत पर कृष्णा को हर किस नहीं छोड़ा जाएगा। सिपाही जब मैदान जंग में उतरता है तो अपना हथियार लाना नहीं भूलता। वकील साहब, दिखा दीजिए इन्हें। कोर्ट ने कृष्णा की जमानत मंजूर कर ली है। हवलदार, छोड़ दो उसे। नाम मालूम नहीं, इसका मतलब साले तू हरामी है, हरामी। बाप का नाम मालूम नहीं, इसका मतलब तू हरामी है, हरामी। मेरा बाप कौन है? ये तुझे क्या हो गया कृष्णा?
कौन है मेरा बाप? ये कैसी बातें कर रहा है? कौन है मेरा बाप? आज तक तो तू बहाने बनाती रही, लेकिन आज तुझे बताना होगा कि कौन है मेरा बाप, वरना 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 मैं अपनी जान ले लूंगा। कृष्णा, नहीं नहीं कृष्णा, नहीं, मैं कैसे बताऊं कौन है तेरा बाप? मैं तो तुझे जन्म देने वाली तेरी माँ को भी नहीं जानती। पता नहीं वो कौन पत्थर दिल औरत थी जिसने तुझे जन्म देते ही लावारिस की तरह छोड़ दिया। तो तू मेरी माँ नहीं है? तो क्या हुआ मैंने तुझे जन्म नहीं दिया? मैंने तुझे पाला तो है, ये राज मैंने आज तक इसी डर से छुपाए रखा कि कहीं तेरे मेरे बीच दूरी ना पैदा हो जाए, क्योंकि मैं तेरे बगैर नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। कृष्णा, कृष्णा, तुझे जमानत पर पुलिस स्टेशन ने आजाद किया है, मेरे दिल और दिमाग ने नहीं। कोशिश कर कि बार बार तेरा मेरा सामना ना हो, वरना लोग कहेंगे कि पुलिस वाले का कातिल पुलिस एनकाउंटर में कुत्ते की मौत मारा गया। इस साथ में भी कम जान नहीं है इंस्पेक्टर, एनकाउंटर में पुलिस वाला भी तो कुत्ते की मौत मर सकता है। क्यों? अरे जा इंस्पेक्टर जा, तूने तो अपन पर हाथ ही उठाया है। अगर इतने पुलिस वाले अपन के पीछे होते ना, तो मैं तुझको इस दुनिया से उठा डालता। जब तक हम में से किसी एक की मौत ना हो जाए, कोई बीच में नहीं आएगा। और अगर मौत मेरी हुई तो मेरी मौत का इल्जाम इसके सर नहीं आएगा। दिस इज माई ऑर्डर। अब देखना यह है कि कौन किसे दुनिया से उठाता है। छोड़ दे, मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगा। अरे तू क्या मुझे मारेगा? मैं आज तेरी यहाँ लाश गिरा के जाऊंगा। हट जा माँ, देखता हूँ आज कौन किसकी लाश गिराता है। अमर, तुझे मेरी कसम है। माँ, जरा सोच बेटा, अगर इससे कुछ हो गया तो इस माँ का कलेजा छलनी हो जाएगा, और अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरी माँ के। अपन की माँ के बारे में बात मत कीजिए माँ जी। अरे उसका कलेजा तो छलनी तब नहीं हुआ जब वो अपन को जन्म देते लोगों की ठोकरों में पलने के लिए छोड़ के चली गई। अपन को इस माँ के नाम से भी नफरत है। कृष्णा, चल माँ। जाने किसने जन्म दिया, जाने किसने पाला, दो माताओं का एक बालक सारे जग से निराला। जाने किसने जन्म दिया, जाने किसने पाला।
चकोरी कैसी हो, चांद ने तेरा नाम लिया और बोला बिल्कुल ऐसी हो। समझ गया बाबा, मम्मी पापा से मिलना कल सुबह, प्रॉमिस। कांता जरा फाइल तो उठा वहां से। क्या कर रही है तुम? कौन जी? मैं सपना। देखो तुम कोई भी सपना क्यों ना हो, हम किसी भी केस के सिलसिले में घर में मुलाकात नहीं करते, अंडरस्टैंड? लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। मैं सपना, हम तुम्हारी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते। तुम्हें जो कुछ भी कहना तुम ऑफिस में आकर कहो। नहीं मुझे घर नहीं। क्या कहाँ कांता? हाँ अमर बेटे बोलो। माँ सपना वहाँ आ चुकी होगी, मैंने उसे आप लोगों से मिलाने के लिए बुलाया था, लेकिन मेरा आना बहुत मुश्किल है माँ। जी जी आप मेरी बात तो सुनिए अंकल। मैं अंकल पाँव नहीं छुड़े दिए तो अंकल के दिल में घुसना चाहती है। तुम यहाँ से फौरन चले जाओ लड़की। ये नहीं जाएगी। माँ जी नमस्ते। माँ जी मुझे अंकल तुम्हें माँ जी, ये रिश्ते पर रिश्ते बनाई जा रही है। मैंने इसको बोल दिया कांता कि मैं घर में कोई फैसला कर। अरे अरे संभालिए। क्या कोई नहीं अजी, इस केस का तो फैसला भी हो चुका है। हो चुका है फैसला? ये हमारी होने वाली बहू है सपना। नमस्ते। क्या बहू, आप इसे बोलने का मौका दे तब बोले ना बेचारी। सौभाग्यवती भवा, वो हरामजादा राजा किसी भी सूरत में अदालत तक नहीं पहुंचना चाहिए। मुझे डर लग रहा है राजा। मैं जानता हूँ वेलजी ने रास्ते में कई रुकावटें डाली होंगी, मगर मैंने पूरा बंदोबस्त कर दिया है। क्यों खान जी? हर किस नहीं पहुंचेगा भैया, मैंने उसके घर से लेकर कोर्ट तक कदम कदम पर मौत का पहरा बिछा दिया है। वो लड़की को लेकर कोर्ट में नहीं सीधा जहन्नुम में पहुंचेगा। हेलो, वो लोग जू सर्कल से निकल रहे हैं। हाँ वेरी गुड। हेलो राणा, वो लोग तुम्हारी तरफ ही आ रहे हैं। राजा के बॉडीगार्ड को अपने प्लान के मुताबिक गोली मार दो और उन्हें उसी जगह पर ले आओ जहाँ पर उनकी मौत मुकर्रर है, समझे? ओके सर। मैं गीता की कसम खा के कहता हूँ कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, तेल लगा के। सॉरी आदत है। इंस्पेक्टर साहब, क्या आप बता सकते हैं कि आपने मेरे मौकिल को किस बिना पर अरेस्ट किया? उस लड़की की रिपोर्ट के बिना पे, जिसकी आंखों के सामने
इस खूनी ने उसके भाई भाभी को गोलियों से छलनी कर दिया, वो खून इसी ने किया तेल लगा के। ये झूठ बोल रहा है जज साहब। ऑर्डर। लेकिन आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि खून इसी ने किया है? रिमांड पर इसने खुद खून ही नहीं कबूल किए बल्कि सारे सबूत भी मेरे सामने रख दिए। डंडा दिखा करके तो कुछ भी लिखवाया या बुलवाया जा सकता है मिलाड। पुलिस कितना सच बोलती है और कितना झूठ, ये किसी से छुपा नहीं है। मिलाड, जब तक आई विटनेस वो लड़की यहां नहीं पहुंच जाती तब तक इस मुद्दे पर बहस बेकार है। आप जा सकते हैं। उठ, उठ। ये क्या किया तुमने? सब सच बोल दिया तेल लाके। लेकिन क्यों? इसके दो फायदे हैं। मैंने इंसाफ के मंदिर में झूठ भी नहीं बोला और मेरा सच तो रास्ते में उस लड़की के साथ जल के खत्म हो जाएगा तेल लगा के। तो इंतजार की हद हो चुकी है मिलर्ड। जिसकी आंखों के सामने उसके भाई और भाभी का कत्ल हुआ हो, उसके सीने में खूनी को सजा दिलाने की ऐसी तड़प होती है कि कोर्ट के दरवाजे के बाहर कोर्ट खुलने का इंतजार कर रहा होता है और यहां घंटों से कोर्ट उसका इंतजार कर रही है। जियो मेरे लाल। अब वकील खड़ा हुआ तेल लगा के। इसलिए अदालत से मेरी इल्तिजा है कि वक्त बर्बाद करने के बजाय फैसला सुनाया जाए और मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। दैट्स ऑल मिलर्ड। मौके वारदात पर मौजूद चश्मदीद गवाहों की गैर मौजूदगी यह साबित करती है कि सिद्धांत पटेल बेगुनाह है, इसीलिए इसे बाइज्जत बरी किया जाए। जज साहब, क्या कहना चाहते हो? और ये लड़की कौन है? यही नीलम है जज साहब, जिसके भाई और भाभी का खून हुआ। मिस नीलम, आप इस कटघरे में आकर अपना बयान दीजिए। जाओ, घबराओ मत, तुम सिद्धांत पटेल की मौत हो और मौत किसी के बाप से नहीं डरती। क्या तुम इस लड़के को पहचानती हो?
कोई अपनी तबाही का चेहरा कैसे भूल सकता है जज साहब? यही है वो खूंखार भेड़िया जिसने मेरे भैया और भाभी को मेरी आंखों के सामने गोलियों से छलनी कर दिया। यही है वो जालिम। जब तक इसे फांसी की सजा नहीं हो जाती, मेरे भैया और भाभी की आत्मा तड़पती रहेगी उनकी आत्मा। जज साहब, इसे फांसी दे दीजिए। जज साहब इसे फांसी दे दीजिए। फांसी दे दीजिए इसे। मौके वारदात पर मौजूद चश्मदीद गवाह की गवाही के सामने तमाम सबूत और तमाम दलीलें झूठी साबित होती हैं, इसलिए अदालत मुलजिम सिद्धांत पटेल वल्द वेलजी पटेल को मुजरिम करार देते हुए दफा 302 ताजीरात हिंद के तहत फांसी की सजा का हुक्म देती है। मुझे बचा लो पापा, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे बचा लो पापा, मैं मरना नहीं चाहता पापा। मुझे बचा लो पापा, मैं मरना नहीं चाहता पापा। वेलजी भाई, आपका हुक्म तो राजा को खत्म कर दें। एक बकरी को हलाल नहीं कर सके और बोले साले शेर का शिकार करेंगे। मैं आपका दुख समझता हूं भैया, लेकिन यह मौका हिम्मत से काम लेने का है। हिम्मत तो मेरी वो जल रही है चिता में नागेश्वर। जब तक राजा की चिता में इसी तरह नहीं चला दूंगा, ये मेरे बेटे की चिता की लपटें मेरे सीने में इसी तरह जलती रहेंगी। अगर इस कृष्णा ने इस लड़की को ना बचाया होता तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। जाओ जाकर बस्ती में कृष्णा के जितने भी चाहने वाले हैं सबको उठा के ले आओ। उसको बचाने कृष्णा आएगा और कृष्णा को बचाने हराम सदा राजा। फिर खत्म कर दो दोनों को। उठा लाओ सबको। छोड़ दो मुझे कमीना, जब तक ना छेड़ो तब तक नहीं भड़कती, छेड़ो तो ऐसा भड़कती है कि जलाकर राख कर देती है। कृष्णा नाम की इस आग से अगर बचना चाहते हो तो वैन में बैठे हुए सबको निकाल दो, वरना अपन तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ेगा। खबरदार, कोई बाहर नहीं निकलेगा। ये वेल जी के क्रोध का तूफान है कृष्णा, ये तूफान तुझ जैसी आग को भी उड़ाकर वेल जी के पास ले जाएगा। जिंदा या मुर्दा, भारत साले को। साले को, एक एक हड्डी भी न बचे इसकी।
तमाशा देख रहे हो। आगे बढ़ो और उन हरामियों का मुंह तोड़ जवाब दो ताकि हमारी बस्ती की तरफ मुंह तक न कर सके। उनके पास हथियार है। हथियारों से डरते हो और मेरा कृष्णा जो आज तक अब तक तुम लोगों का हथियार बना हुआ है उसको कुछ हो गया तो। लेकिन बहन जी। अरे बहन जी क्या कर रहे हो? ये लो शर्म से डूब मरो छटको और जाओ जाके अपनी बीवी के घाघरे में छुप जाओ। थू है तुम पर तुम्हारी मर्दानगी पर। ये लो छटको, ये लो ना मर्दो। अरे शर्म आती होगी उस माँ को भी जिसने मर्दों की जगह तुम जैसे कायर और छक्कों को जन्म दिया। जाओ कमीनो, निकल जाओ यहाँ से। जाओ घर जाके आराम करो। दफा हो जाओ यहाँ से। तू भी दफा हो जा, क्योंकि किसी माँ ने अभी तक वो लाल नहीं जना जो हमारे सामने खड़े होने की जुर्रत कर सके। ये जाम कृष्णा की मौत के नाम। राजा, कृष्णा पर हमला करवाकर तूने अपनी मौत को आवाज दी है हरामजादे। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। घबरा मत वेल जी, इससे तो मुझे पुराना हिसाब भी चुकाना है। तुम्हारे अटेम्प्ट ऑफ मर्डर में इसे ऐसा ठोकूंगा तेल लगा के कि सारा तेल ही निकल जाएगा। वाह मारू वाह, इसे कहते हैं नमक हलाल। आज तूने वेल जी के नमक का हक अदा किया है। चल ना, चल भैया, चलो। भाग मत वेल जी, मैं तेरी मौत बनकर आया हूँ और तेरी मौत अटल है। ओए रुक जा। अबे जा जा, तू हमें ढूंढता ढूंढता मर जाएगा लेकिन हमें नहीं ढूंढ पाएगा, समझे? चलो भैया, मौत अटल है। जा, आगे बढ़ा तो गोली मारूंगा। चला गोली, चला गोली, देखो, चला गोली। लो संभालो इसे, बहुत भड़क रहे थे ना उस दिन पुलिस वालों की जलालतें सुनकर, आज तुझे मैं आईना दिखाने आया हूँ। शट अप, यू शट अप। पूछो इसे, पूछो ये वेल जी के तलवे क्यों चाट रहा था, उस वेल जी के जिसने मेरे कृष्णा को जिंदगी और मौत के दुराहे पर खड़ा कर दिया है। दुआ करके कृष्णा को कुछ ना हो, क्योंकि अब तेरी सांसें तब तक चलेंगी जब तक कृष्णा की सांसें चलती रहेंगी। सर वो हरामजादा आपके सामने कुत्ते की तरह भौंक के चला गया और आप खामोश खड़े तेल लगा के। तुम्हारी जलालत ही मेरी जुबान की लगाम बन गई। तुम जैसे सलील ही हमारे डिपार्टमेंट के माथे पर कलंक हो। Damn it! एक दिन सबको ठोक दूंगा तेल लगा के। हेलो सपना बेटी, अपना वादा भूल गई ना? तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चल रही हो। मैं तैयार होके बैठी हूँ। सॉरी आंटी, यहाँ एक बहुत ही सीरियस पेशेंट आ गया है। नौजवान लड़का है और जवानी में ही मौत के दरवाजे पर खड़ा है। डॉक्टर, इसीलिए ए बी नेगेटिव ग्रुप कहीं नहीं मिल रहा है। शहर के एक एक हॉस्पिटल और ब्लड बैंक से पता करवा लिया। बहस मत कीजिए डॉक्टर, जाइए जाकर ब्लड का बंदोबस्त करिए। अगर एक घंटे में उसे ब्लड नहीं मिला तो वो मर सकता है। हरी अप। यस डॉक्टर। आंटी मैं आपको, हेलो हेलो, मेरा खून लेके बदली नहीं किया जा सकता। तू कुछ भी कर सकती है डॉक्टर, कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे मेरा कलेजा जल्दी होने से बच जाएगा। हम यही कोशिश कर रहे हैं आंटी। सपना, सपना मैंने फोन पे सब सुन लिया है। मेरा ब्लड ग्रुप भी ए बी नेगेटिव ही है। शायद मेरा खून तेल बनकर किसी के जीवन के दीपक को बुझने से बचा ले। पर आंटी उसे बहुत खून की जरूरत पड़ेगी और इस उम्र में। सपना, अगर उसकी जगह मेरा अपना बेटा होता तब तुम ये सवाल नहीं करती और मैं अपने खून का आखिरी कतरा तक दे देती। समझ लो वो मेरा अपना ही खून है, मेरा अपना ही बेटा।
आंटी, यू आर ग्रेट, आइए। ये तुझे भला करो भाई। मैंने नहीं जो जान सके वो दिल ने जान लिया। खून को बिन पहचाने ही पहचान लिया। कैसे खेल खिलाता है खेल खिलाने वाला। कृष्णा ओ कृष्णा, कृष्णा ओ कृष्णा, कृष्णा ओ कृष्णा, कृष्णा डॉक्टर, मेरा कृष्णा कैसा है डॉक्टर? माँ जी, भगवान ने आपकी फरियाद सुन ली। इनकी मेहरबानी से अब कृष्णा खतरे से बाहर है। अरे क्या कर रही है? कृष्णा को होश आ गया है, आइए। कृष्णा, तू मेरी जान है कृष्णा, मेरे जीते जी तुझे कुछ नहीं हो सकता। अब सबकी दुआओं की वजह से ही तो बच गया हूं। अरे इसे आप खाना खिला रही हैं? इसके लिए तो मैं खाना लेके आई थी, सोचा था अपने हाथों से खिलाऊंगी, मगर आपने मेरे सपने चूर चूर कर दिए। अरे मैं तुम्हारे सपने क्यों चूर करूंगी, लो तुम खिला लो। हाँ ये हुई ना बात। गुस्सा मत खा, खाना खा। डॉक्टर नी साहिबा, इसकी बात का बुरा मत मानिएगा, ये बचपन से ही पगली है। ये पगली नहीं दीवानी है, प्रेम दीवानी। और इतना प्यार करने वाला बहुत मुश्किल से मिलता है। देखा, डॉक्टर नी मेम साहब पहली मुलाकात में समझ गए कि मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। और एक तू है, तू यहाँ खाना खिलाने आई है या उनका भेजा खाने? लो प्यार के दुश्मन, खाओ। चाचा चाचा, ये लो मिठाई खाओ। अरे अरे, अरे बिटिया बड़ी खुश नजर आ रही है, क्या बात है? मेरा कृष्णा घर आ गया चाचा, आज मैं ही नहीं सारी बस्ती खुशी से गाएगी और नाचेगी। अरे कृष्णा, तेरे आने की खुशी में जश्न है और तू ही नहीं नाचे गाया, चलना यार।
रोते नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं। किसका बच्चा है ये? कौन है इस बच्चे की माँ? मैं हूँ इस बच्चे की माँ। ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। अगर कोई इसे लावारिस समझकर उठाकर ले जाता तो जिंदगी भर इसे पाने के लिए मन्नतें मांगती रहती, मगर तुम्हारी फरियाद कभी न सुनी जाती। नहीं बहन, ऐसी बतुआ मत दीजिए। आज से 20 साल पहले जन्माष्टमी की रात मैंने भी अपना बच्चा यही खो दिया था। खो दिया था? या वो तुम्हारा पाप था? नहीं नहीं, पाप नहीं था, वो तो हमारे प्यार की निशानी थी। मगर कुदरत ने ऐसा कहर ढाया कि हमारी शादी के कुछ ही दिनों बाद एक्सीडेंट में मेरे पति की मौत हो गई और उनके घर वालों ने मुझे उनकी मौत का जिम्मेदार ठहराया और ठुकरा दिया। अपने बच्चे के खो जाने के बाद मैंने तो आत्महत्या भी कर ली थी, लेकिन मेरी बदनसीबी ने वहां भी मुझे बचा लिया। एक बात पूछूं? पूछो। उस दिन कृष्णा कह रहा था कि उसकी माँ उसे जन्म देते ही छोड़ गई थी। कहीं तुम्हारा कृष्णा मेरा ही बेटा तो नहीं? नहीं। उसके सर पे हाथ रख के कसम खा सकती हो कि वो तुम्हारा बेटा है? क्यों खाऊं कसम? कृष्णा मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा बेटा। उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, उसे मुझसे कोई नहीं। मैं खुद कर दू, मैं स्वार्थी हूँ, जितना कोसता चाहे कोसो, लेकिन मेरे कृष्णा को कोई नहीं छीन सकता, मेरे कृष्णा को कोई नहीं छीन सकता। क्या हुआ माँ? कृष्णा तू छुप जा, तू छुप जा मेरे बेटे, छुप जा। हम कहाँ छुपाओ तुझे? अपने सीने में, अपने कलेजे में। हे भगवान, कहाँ छुपाओ तुझे ताकि तुझे मुझसे कोई न छीन सके? क्या बात है माँ? छुप जा मेरे बेटे, छुप जा। माँ कृष्णा, कौन छीन लेना चाहता है मुझको तुझसे माँ? तेरी माँ। मेरी माँ? हाँ, तुझे जन्म देने वाली तेरी माँ मिल गई है। अरे किस माँ की बात कर रही हो, जिसकी अयाशी का नतीजा और समाज के लिए पाप हूं मैं? ऐसी औरत को माँ कहकर, माँ जैसे पवित्र लफ्ज पर कीचड़ मत उछालो, माँ कीचड़ मत उछालो। नहीं कृष्णा, उस पर लगाया हुआ तेरा हर इल्जाम गलत है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बस माँ मुझे सिर्फ इतना बता दे कि कौन है वो औरत, ताकि मैं उसे इस जमाने के सामने उतना ही जलील कर सकूं जितनी जलालत मैंने सही है। बस माँ सिर्फ इतना बता दे कि कौन है वो बदचलन, बदकार और बदमाश औरत। कृष्णा, वो बदमाश, बदचलन और बदकार औरत नहीं है कृष्णा। इंसान सारी दुनिया से लड़ सकता है, मगर किस्मत और हालात से नहीं लड़ सकता, और वो भी तो ऐसे ही हालात में से गुजरी है। अब तू ही बता बेटे, क्या वो कसूरवार है? नहीं। ये कहाँ जा रहा भाई? रुको रुको। माँ। कृष्णा, मुझे आज ही पता चला है। क्या? कि तू मेरी माँ है। क्या तू? हाँ माँ, माँ। बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे इस चौखट पर आने की? चला जा। जी, मैं अपनी माँ से मिलने आया हूँ। माँ, क्या बकवास कर रहा है तू? जी जी, मैं सच कह रहा हूँ कि ये पुलिस कमिश्नर की बीवी को माँ कहकर एक गुनहगार शराफत का नकाब बोलना चाहता है। पुलिस रिकॉर्ड में ये किसी की नाजायज औलाद है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम हमारी पत्नी के साथ माँ का रिश्ता जोड़ो?
ये रिश्ता तो बहुत महान है, इसी माँ ने मुझे जन्म दिया है। क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं सर, जब मैं अस्पताल में अपनी आखिरी सांसों पर था और मुझे खून कहीं नहीं मिल रहा था, तो इसी देवी ने मुझे अपना खून देकर एक नया जन्म दिया, और जन्म देने वाली को तो माँ ही कहते हैं ना। यकीन मानिए सर, अगर मुझे थोड़ा भी एहसास होता कि मेरे मां कहने से इस देवी के नाम पर बदनामी जैसा शब्द भी पैदा हो जाएगा, तो मैं यहां कभी ना आता सर, कभी ना आता। ओके, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। सर, एक प्रार्थना है मेरी आपसे सर, सिर्फ एक बार मुझे इस देवी के पांव छू लेने दीजिए सर, सिर्फ एक बार। ऑलराइट। जाने किसने जन्म दिया, जाने किसने पाला, जाने किसने जन्म दिया, जाने किसने पाला। दो माताओं का एक बालक सारे जग से निराला, जाने किसने जन्म दिया, जाने किसने पाला, जाने किसने जन्म दिया, जाने किसने पाला। आज के बाद आंसू बहाकर मेरी पत्नी को भावुक बनाने की कोशिश मत करना। उसने तुम्हें जिंदगी बख्शी है, लेकिन मैं मुजरिम को मुजरिम ही मानता हूं। जा सकते हो। मैं हर इम्तिहान देने के लिए तैयार हूं वेल जी भाई। अच्छा तो पहलवान जी, तुम्हें काम करना होगा, तुम्हें बिजली की इन दीवारों को अपनी तरफ आगे बढ़ने से रोकना होगा। ये दीवारें इस पहाड़ से टकराकर चूर चूर हो जाएंगी। अच्छा तो ये लो। इन मौत की दीवारों को रोको। पहाड़ बिलजी भाई, तुम्हारी गद्दारी का इनाम है। मुझे वो लड़की किसी भी कीमत पर चाहिए जो उस राजा की जान है। छोड़ो मेरा हाथ। क्यों डार्लिंग, इस हाथ में वो मजा नहीं है जो राजा के हाथ में है? क्या पकते हो? अरे जब तुम राजा की रखील बनकर रह सकती हो तो फिर हमें भी खुश कर दो ना, खुश कर दो ना, खुश कर दो ना। रुक जाओ राजा भैया। अच्छा रीटा, मैं इसकी जुबान खींच लूंगा। किस किस की जुबान खींचोगे? ये बातें इसने शराब के नशे में की है, यही बात सब लोग पूछना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं। क्या लगती है तुम्हारी, क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? बताओ भैया बताओ, कोई है जवाब तुम्हारे पास? तो मन्नत मांगी थी मैंने, चल मंदिर चल। नागेश्वर, चिड़िया पिंजरे में बंद होने के लिए मंदिर गई है। हे भगवान, तूने मेरी झोली में कितनी खुशियां डाल दी। मैंने जरूर पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे, जो तूने मेरी झोली में राजा जैसा हीरा डाल दिया। ए, रुक जा, ये भगवान का स्थान है, यहाँ तुम जुल्म नहीं कर सकते। अबे हट,
यहाँ के भगवान हम हैं, समझे? चल चल। बदली जी, कभी छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। राजा को मालूम पड़ेगा तो वो तुम्हारी बोटी बोटी रोज डालेगा। उस हरामजादे की बोटियाँ कुत्तों को डाल दे। अरे इसीलिए तो ले जा रहा हूँ तुझे। ए लड़की सुन, बोल देना उसको कि ले जा रहा हूँ उसको, समझे? चल चल, जो करना है कर दे। राजा भैया, राजा भैया, नीलम को वैल जी का भाई उठा के ले गया। बस मत कुत्ते, मुझे ये बता के कहाँ पहुँचना है। काली गुफा में आजा बेटे। ये राजा भैया इतनी जल्दी में कहाँ गए? नीलम को वैल जी का भाई उठा के ले गया है। कहाँ उठा के ले गया? काली गुफा में। कब आएगा तेरा यार और कब उसकी आंखों के सामने मैं ये तेरा चेहरा। आराम साथी। आइए, इस घड़ी का तो मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार था। आइए। अपनी मौत का इंतजार इतनी बेसब्री से करते हुए किसी को पहली बार दिखा है। अरे वाह, मौत के मुंह में खड़ा है और मौत ही को ललकार रहा है। वो क्या कहते हैं ना, लौ बुझने से पहले बात फड़फड़ाती है तेल लगा के। इनकी बातों में मत आओ वेल जी, लगता है इन्हें तुम्हारी अर्थी उठवाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। नीलम को छोड़ दो, मैं उसे लेने आया हूँ। हाँ ले जाना, जैसे फांसी लगने के बाद मैं अपने बेटे की लाश ले आया था ना, तू भी इसकी जिंदा लाश ले जाना इज्जत लूटने के बाद। हाथ तो लगा, इसके बाद ढूंढता रह जाएगा कि तेरे जिस्म के साथ कोई हाथ भी था। आहा, देखा कैसा तड़प उठा साला। वो क्या कहते, सौ सुनार की एक लोहार की। इंस्पेक्टर अमर आ गया है। लौंडिया को गायब कर देते हैं तेल लगा के, वरना हम सबको तेल लगा देगा। नागेश, इसकी मरम्मत करना, जिंदा जाने ना पाए। चल तेल लगा दो इसको, तेल। राजा, राजा, राजा। रुक जाओ राजा, वरना मैं गोली मार दूंगा। मुझे जाने दो इंस्पेक्टर, बेलजी और मारू नीलम को उठाकर ले गए हैं, उसकी जान और इज्जत को खतरा है। झूठ बोल रहा है ये, कानून से बचने का बहाना ढूंढ रहा है। ये तो अच्छा हुआ आप सही वक्त पर आ गए, वरना ये तो हमारी लाशें बिछा लेता। वो तो मैं रास्ते में इसकी रफ्तार देख कर ही समझ गया था। ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर। देखिए, मेरी नीलम की जान को खतरा है, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं अपने आप को आपके हवाले कर दूंगा। तुम जैसे लोगों की मनगढ़ंत कहानियां खूब समझता हूँ मैं। रुक जाओ राजा, राजा मैं कहता हूँ रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ राजा, राजा। राजा भैया, राजा भैया, राजा भैया। कृष्णा, वेल्शियर मारू नीलम को उठाकर ले गए हैं, उसकी जान को खतरा है, तू जा उसे बचा।
मगर आपको इस हालत में छोड़कर नहीं नहीं राजा भैया तू जा। जाने दो मुझे, भगवान के लिए रहम करो मुझ पर। तूने मेरे बेटे पे रहम किया था क्या? बचाओ! मेरे भाभी। बचाओ! और चिल्ला। जिस तरह चिल्ला चिल्ला कर तूने मेरे बेटे के लिए फांसी मांगी थी ना, लेकिन आज हम तुझे नोच डालेंगे, मेरे कलेजे को जिस तरह तूने नोचा था। लोग कहते हैं कि पुलिस टाइम पे नहीं आती, पुलिस हाजिर है आपकी सेवा करने के लिए तेल लगा के। क्यों किया कृष्णा? मारो मारो और बंजी भाई मेरी इज्जत। कृष्णा मैं राजा के काबिल नहीं रही। कृष्णा मैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाभी। ऊपर वाले राजा, हम गरीबों की दुनिया का सूरज, हमारी दुनिया में अंधेरा होने से पहले उसे बचा दे। माँ, इसे क्या हो गया बेटे? माँ, वेलजी और मारू ने मिलकर इनकी इज्जत लूट ली। माँ क्या? भाभी, भाभी नहीं बेटे, अभी ये इस दुनिया में नहीं रही। नहीं, नहीं। राजा को होश आ गया है, वो कृष्णा से मिलना चाहता है। कृष्णा, नीलम की मौत की खबर राजा को मत देना, अभी वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। राजा भैया। कृष्णा, आपकी आवाज सुनने के लिए कान तरस गए थे। राजा भैया, आप ठीक तो है ना? जब तक तेरा और नीलम का प्यार मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। नीलम कहाँ है? वो ठीक तो है? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप ठीक हो जाएंगे ना? सब ठीक हो जाएगा।
तू मुझसे कुछ छुपा रहा है। नीलम कहाँ है? बहुत दूर। कृष्णा? नहीं राजा भैया, सब ठीक है राजा भैया। दरअसल वेलजी से बचाते हुए नीलम भाभी थोड़ी जख्मी हो गई और मैंने उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया। अस्पताल? इसका मतलब उसकी जान को खतरा है? नहीं, उनकी जान को कोई खतरा नहीं, अब वो हर खतरे से बहुत दूर जा चुकी है राजा भैया, बहुत दूर। तो फिर तू रो क्यों रहा है? आपकी हालत और अपनी बेबसी पर रो रहा हूं। पगले, मैं तो तेरा एहसान ही नहीं भुला सकता कि तूने नीलम को बचा लिया। वो जिंदा है, जख्मों का क्या है, वो तो भरी जाएंगे। लेकिन मेरे जख्म कभी नहीं भरेंगे राजा भाई, कभी नहीं भरेंगे। बहुत प्यार करता है मुझसे। तुम्हारी इज्जत की कसम भाभी, तुम्हें इस अंजाम तक पहुंचाने वाले पर कृष्णा ऐसा कहर बनकर टूटेगा कि उसकी तबाही से कहर भी कांप उठेगा। जी ने राजा की होने वाली बीवी की इज्जत लूटी और खुद कहीं छुप गया है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। विल जी ने उस लड़की की इज्जत नहीं लूटी बल्कि कानून के मुंह पर तमाचा मारा है। उस लड़की ने आत्महत्या करके कानून के गले में बदनामी का फंदा डाल दिया है। इस वारदात से भड़के हुए लोग शहर को जलाकर राख कर देंगे। जब तक विल जी गिरफ्तार नहीं होता तब तक के लिए शहर में कर्फ्यू लगा दो। कर्फ्यू में देखते ही गोली मार देने का ऑर्डर है। कर्फ्यू तो आज मैं तेरी जिंदगी में लगा दूंगा आराम सादे। नीलम भाभी की इज्जत के बदले जब तक मैं तेरी जान ना ले लूं, उनकी चिता की लपटें मेरे सीने में चलती रहेंगी। कानून के मुहाफिज पर हाथ उठाने की जुर्रत की है। जुर्रत? अरे इस हरामजादे ने वेलजी के साथ मिलकर नीलम भाभी की इज्जत लूटी थी। नहीं, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शट अप, छोड़ दे इसे, नहीं तो हम तुम्हें
गोली मार देंगे। अरे गोली मारनी है तो इससे मारिए कमिश्नर साहब, लेकिन आप कानून हाथ में ले नहीं सकते। कमिश्नर साहब रिवॉल्वर फेंक दीजिए, प्लीज रिवॉल्वर फेंक दीजिए, रिवॉल्वर फेंक दीजिए। कृष्णा का पीछा करो, उसने हमारे सामने मारू का कत्ल किया है। आई वॉन्ट हिम डेड और अलाइव। सर बस्ती का चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन कृष्णा कहीं नहीं मिला। सर बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। सर कहीं नहीं मिला। सर कहीं नहीं मिला। मिलेगा, जरूर मिलेगा। भाग कर जाएगा कहाँ, जाओ ढूंढो उसे। और अगर जरा भी आनाकानी की या भागने की कोशिश की, गोली मार देना उसे, समझे? शूट हिम। क्या कृष्णा ने खून कर दिया? मैंने नेम साहब मेरे कृष्णा को बचा लीजिए, मेरे कृष्णा को बचा लीजिए, मैं आपके पांव पड़ती हूँ। आपके बेटे अमर ने उसे देखते ही गोली मारने का हुक्म दिया है। तुम्हारे कृष्णा ने एक पुलिस अफसर का खून मेरे पति की आंखों के सामने किया है, उसे उसके किए की सजा तो मिलेगी ही। नहीं, उसने एक पुलिस अफसर का नहीं, पुलिस अफसर के भेष में छिपे एक राक्षस का बोझ धरती से उठाया है। भगवान के लिए मेरे कृष्णा को बचा लीजिए। देखो ये कानून का मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। चाहे वो पुलिस की गोली का शिकार हो या कानून उसे फांसी दे दे। मेरा तो पता नहीं जी सकूंगी या मर जाऊंगी, मगर तुम उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाओगी जब तुम्हें पता चलेगा कि जिस बेटे के वियोग में 25 साल से तुम तड़पती रही, वो कृष्णा तुम्हारा अपना बेटा था, तुम्हारा अपना खून। क्यों छुपाया था उस दिन के कृष्णा मेरा बेटा है? क्यों? अगर उस दिन बता दिया होता तो शायद आज ये नौबत ना आती। मेरी ममता की मजबूरी थी। मजबूरी नहीं, तुम्हारी गलत फहमी थी। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं उसे तुमसे छीन लूंगी? अरे मैंने तो उसे सिर्फ 9 महीने अपनी कोख में रखा, मगर तुमने तो मेरे बच्चे को 25 साल अपनी छाती से लगा कर रखा। अरे देवकी ने किशन को जन्म दिया, पाला यशोदा ने, वो दोनों का बेटा था। अगर उस किशन की 2 माएं हो सकती है तो हमारे कृष्णा की
हमारे कृष्णा की हम दोनों माए क्यों नहीं हो सकती? अपने अपने बेटे के गम से चूर है दोनों, अपने अपने बेटे के गम से चूर है दोनों, अपनी अपनी ममता से हम मजबूर है दोनों, मन डरता है राम ही जाने क्या है होने वाला। बस जी रहा हूं, लेकिन तुझसे मिलने के लिए बहुत तड़पा हूं मां। काश तुझे जन्म देते ही तुझे छोड़कर मंदिर जाने की भूल न की होती और वहां बेहोश न हुई होती। बस उसी भूल के लिए तेरे पैरों में सर रखकर मैं तुझसे माफी मांगने आई हूं बेटा, मुझे माफ कर दे। नहीं माँ, नहीं, नहीं। अपने बेटे के पांव छूकर उसे इतना बड़ा गुनहगार मत बना माँ, कि जिसकी सजा काटने के लिए उसे ना जाने ऐसे कितने जन्म और लेने पड़े माँ। कृष्णा, वो मेरी भूल के वो लिए तेरी भूल ही कहाँ थी माँ? अरे भूल तो उसकी थी जिसने मेरा नसीब बदनसीबी के कलम से लिख दिया। जन्म के बाद बच्चे को मां की ममता की जरूरत होती है, वो लिखना भूल गया। अरे बचपन से जवानी तक सर रख कर रोने के लिए जन्म देने वाली गोद की जरूरत होती है, वो ये भी लिखना भूल गया। सारी दुनिया का दर्द मां की छाती से लगते ही मिट जाता है, वो ये भी लिखना भूल गया। अरे जब वो इतना सब कुछ भूल सकता है मां, तो तेरी भूल तो कुछ भी नहीं। मैं तेरी बदनसीबी की सारी कहानी जानता हूं मां, जानता हूं। क्या? हाँ मां। कृष्णा, हमको आज मिला कर फिर भगवान जुदा ना कर दे, हमको आज मिला कर फिर भगवान जुदा कर दे, मेरे जी से कोई मेरी जान जुदा ना कर दे, मिलने से पहले ही बिछड़ रहा है मिलने वाला। अंधेरे में क्यों बैठे हैं, रोशनी कर दूं? सारी जिंदगी जब अंधेरे में रहे हैं, अब रोशनी करो या अंधेरा, उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, आज मैं आपकी पत्नी हूं, आप जो चाहे सजा दे सकते हैं, मगर 25 साल पहले एक मां ने अपने बेटे को जन्म दिया और खो दिया। 25 साल वो मां अपने बेटे के वियोग में तड़पी है, उसे देखने को तरसी है। उस मां को सजा मत दीजिए। क्या कहना चाहती हो तुम? मैं आपके पांव पड़ती हूँ, चोली फैलाकर अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगती हूँ, उसे बचा लीजिए। मैं आप तुम चाहती हम उस मुजरिम को अदालत में पहचानने से इनकार करते, अपने फर्ज और अपने उसूलों का गला घोंटते? तुम्हारा बेटा ये लफ्ज हमारे सीने पे सांप की तरह लौटता है। कांता देवी, इस मुजरिम की जगह हमारा अपना बेटा अमर भी होता तो हम अपना फर्ज निभाने से कभी ना चूकते हैं। अंडरस्टैंड? भगवान, मेरे बेटे को मुझसे मत छीन, मेरे बच्चे को मुझसे।
सुनिए 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 तो सबका सुख चैन छीनकर कैसे चैन से लेटे हुए हो? तब उठना जब कृष्णा को फांसी लग जाएगी। फांसी? और नहीं तो क्या? अपनी दुश्मनी की आग तुमने अपने साथ साथ मेरी जिंदगी में भी लगा दी। साफ साफ बताइए सच्चाई क्या है? सच्चाई? तो सुनो, वेलची और मारू ने नीलम की इज्जत लूटकर उसे खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। नहीं। हाँ, कृष्णा ने नीलम की इज्जत और मौत के बदले मारू को सरेआम मौत के घाट उतार दिया। उसी इल्जाम में अदालत कृष्णा को, मेरे कृष्णा को फांसी की सजा सुनाने वाली है और इसके जिम्मेदार हो तुम। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उसे फांसी नहीं लगने दूंगा। अगर कृष्णा को कुछ हो गया तो मैं सारी दुनिया को आग लगा दूंगा। अरे राजा, ये क्या? अदालत मुलजिम कृष्णा को मुजरिम करार देते हुए दफा 302 ताजी रात हिंद के तहत सजाए मौत। रुक जाइए जज साहब, रुक जाइए। कृष्णा निर्दोष है जज साहब। खूनी मैं हूं, मैंने खून किया है। मारू का खून मैंने किया है, कृष्णा ने नहीं। सजा मुझे दीजिए, फांसी पर मुझे चढ़ा दीजिए जज साहब। ये निर्दोष है जज साहब। क्या बात है? जिस लड़के का केस था उसका क्या हुआ? फांसी की सजा हो गई। नहीं! सुनिए, आपने आज ये कुछ नहीं सुनेंगे माँ। आज तो फर्ज और इंसाफ की आवाज ही भी इनकी कानों से टकरा कर लौट गई। फिर ये तुम्हारी आवाज क्या सुनेंगे? मतलब जानती हो, आज इन्होंने अदालत में कृष्णा को पहचानने से इनकार कर दिया। उनका बेटा होने के नाते उन्हें सजा तो नहीं दे सकूंगा, लेकिन कानून का मुआफिज होने के नाते उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अगर आप मेरे मरने की वजह जानते, वो जरूर तो कोई मनहूस वजह होगी, वरना कोई इंसान खुदकुशी क्यों कर करे? हम ऐसी वजह नहीं जानना चाहते। हम तुमसे बहुत नाराज हैं कांता। हमारा गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ। हमारी बीवी होकर, हमारी जिंदगी में आकर तुम औलाद का दुख अकेले झेलती रही। तुमने हमें इतना छोटा समझ लिया था। नहीं, और शर्मिंदा मत कीजिए मुझे। कांता, आज एक पति नहीं बल्कि कृष्णा की मां से कृष्णा का बाप ही शिकायत कर रहा है। तुमने हमें हमारे बेटे से दूर क्यों रखा? जवाब दो, जवाब दो। मुझे माफ कर दीजिए, आप इंसान नहीं देवता है, देवता। क्या दिया ना, खाना नहीं खाऊंगा। जाओ खाना और जाओ यहां से, जाओ। अमर देखो बेटे, तुम्हारी नाराजगी हमसे है, खाने से नहीं। चलो खाना खा लो। नहीं खाऊंगा, हरगिज़ नहीं खाऊंगा।
और तब तक नहीं खाऊंगा जब तक आप मुझे ये नहीं बता देते कि आपने अदालत में कृष्णा को पहचानने से इनकार क्यों किया। अमर तुम खाना खा लो। देखो तुम मारू की असलियत को नहीं जानते थे और ना ही तुम कृष्णा की हकीकत को जानते हो। हकीकत? उसकी हकीकत यह है कि वो एक खूनी है, मुजरिम है। यही नहीं, किसी के पाप का नतीजा है, वो हरामी है, वो हरामी। हाँ हरामी। Shut up! मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि कृष्णा मेरा भाई है। अनजाने में मैंने अपने ही भाई पर न जाने क्या क्या कीचड़ उछाल दिए। मुझे माफ कर दे। बच्चे। अच्छा अब ये रोना धोना बंद करो, चलो हम लोग कृष्णा को लेकर आए। नहीं, अपने भाई को लेने सिर्फ मैं जाऊंगा पापा, मैं इतिहास बदल दूंगा। महाभारत के कर्ण और अर्जुन तो एक ना हो सके, लेकिन कलयुग के कर्ण और अर्जुन ऐसे एक होंगे कि उनके प्यार की मिसाल सारी दुनिया देखेगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरी बर्बादी की वजह तू है। उस दिन अगर तूने मुझे जाने दिया होता तो शायद मैं। राजा, राजा मैं मानता हूं मैं तेरा गुनहगार हूं, लेकिन मेरे गुनाह मत गिना, सजा दे। चला गोली, तभी तेरे सीने में भड़कते हुए बदले की आग बुझेगी। नहीं नहीं राजा भैया, नहीं। कृष्णा? हाँ राजा भैया। हट जा कृष्णा, चलाने दे इसे गोली। नहीं अमर, राजा भैया को पहले मुझ पर गोली चलानी होगी। क्यों बचाना चाहता है तू इससे? ये मेरा भाई है राजा भैया, मेरा भाई। हाँ राजा भैया, मुझे मेरी मां मिल गई राजा भैया, और हम दोनों उसी मां के बेटे हैं। मेरे भाई अमर, मैं तुझे लेने आया हूं, अब हम लोग साथ रहेंगे कृष्णा। अमर भैया गजब हो गए। अमर भैया क्या हुआ? गोपी बेल जी के आदमी माजी को उठा के ले गए। बेल जी? रुको, मैं भी तेरे साथ चलूंगा अमर। नहीं कृष्णा, 24 साल माँ तेरे बिना तड़पी है, मैं नहीं चाहता कि तू फिर। तो तुझे मौत के मुंह में अकेला जाने दूं? मेरे जीते जी तो ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई। नहीं कृष्णा, अभी तो हम ठीक से मिले भी नहीं, मौत की इतनी जरूरत नहीं कि वो मुझे तुझसे जुदा कर सके। कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ जा रहा हूं, बस। ठीक है तो बैठ। नहीं हो रही, लगता है धक्का लगाना पड़ेगा। अमर, अमर रुक। लटका दो साली को। काट दो रस्सी। मैं तो कुंती मैया को इसलिए यहाँ लाया था
कि इसे बचाने के लिए करण आएगा, लेकिन तो खुद ब खुद अर्जुन आ गया। अच्छा हुआ तूने भी मेरे तीन आदमियों को बैंक में कुत्ते की मौत मारा था ना। लगता है कृष्णा के साथ साथ इसकी भी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। हिम्मत है तो एक बार मेरी माँ को आजाद कर दे, फिर देख किसकी मौत किसके हाथों लिखी है। भैया ये बहुत टैटा करता है, मैं इस साले की जबान ही बंद कर देता हूँ। नहीं नागेश्वर, ये शतरंज की बाजी तो मैंने खेलने के लिए बिछाई है। एक मोहरा आया है, दूसरा भी आ जाएगा। मेरे जन्मदिन पर ये बीन बुलाए मेहमान को थोड़ा जश्न तो दिखाओ। अब मैं ऐसा खेल खेलूंगा जो इतिहास में न किसी ने देखा होगा और न सुना होगा।
तूने क्या समझा था हम पहचानेंगे नहीं? बांधो साले को। खेल हरामजादे खेल, क्योंकि ये खेल तेरी जिंदगी का आखिरी खेल होगा। ले जा आखिरी खेल। बांधो इसे। कुंती माता, मेरे जन्मदिन की खुशी पर मुझे इन दोनों में से किसी एक पुत्र की बलि चाहिए। ये ले, तू जिसे चाहे उसे बचा ले। ले, ले। भगवान से डर वेल जी, एक माँ के हाथों उसकी औलाद को बलि चढ़ाने की बातें करता है, तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। सुन 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 सुन, अगर तू मारेगी ना तो एक मरेगा, और अगर हम मारेंगे ना तो दोनों को ही मार डालेंगे। नहीं, मैं तीन गिनूंगा, अगर तीन गिनने के अंदर अंदर तूने गोली नहीं चलाई तो मेरे आदमी तेरे कलेजे के टुकड़ों को गोलियों से छलनी कर देंगे। ऐसा मत कहिए। मैं एक मुझे बातें माँ नहीं, माँ मुझे मार, मुझे मार माँ, मुझे मार। दो माँ मुझे मार, माँ मुझे मार, माँ तू इसकी बात मत सुन, माँ मुझे मार। चला गोली माँ। नहीं माँ मुझे मार, माँ मुझे मार, माँ माँ चला गोली। नहीं माँ मुझे मार, माँ सोच मत। तू क्या समझती है मैं उल्लू का पट्ठा हूं? मैं जानता था तू यही करेगी, मैं भी तेरी जगह होता तो यही करता, लेकिन तूने इन्हें नहीं मारा। अब देख मारते कैसे हैं। वेल जी, हम कमिश्नर कपूर बोल रहे हैं। तुम्हारे इस अड्डे को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो, यहां से कोई बच कर नहीं निकल सकता। वेल जी, अरे हमें बाहर निकलने से तेरा बाप भी नहीं रोक सकता। चल नागेश्वर, तू इन दोनों को लेकर खुफिया रास्ते से निकल, और सालों को ऐसी बदतर मौत देना कि सारी दुनिया देखे। भैया लेकिन आप मेरी फिक्र मत कर, मेरे पास ये मेरी ढाल है ना, ये और इसकी ये बहू, इन दोनों को लेकर मैं पुलिस कमिश्नर की छाती पर से निकलूंगा, और पुलिस का ध्यान भी मुझ पर ही लगा रहेगा। ठीक है भैया, ले चलो। हम तुम्हें 5 मिनट की मोहलत देते हैं। अरे 5 मिनट क्या कमिश्नर, चला अभी चला गोली। इस बात का ख्याल रहे कमिश्नर, अगर किसी ने मेरा पीछा करने की कोशिश की तो रास्ते में इनकी लाशें मिलेंगी, याद रखना। इस ट्रक में बम फिट है इंस्पेक्टर, जब तक ये ट्रक 40 की स्पीड से ऊपर दौड़ेगा तेरी जिंदगी मौत से आगे दौड़ेगी, जैसे ही स्पीड 40 से नीचे गिर गई बम ब्लास्ट हो जाएगा और तेरी जिंदगी के चिथड़े उड़ जाएंगे। चल अमर, तेरी जिंदगी पर मौत की मोहर लगी गई, ये हेलीकॉप्टर तेरी जिंदगी की धज्जियां उड़ाता हुआ तुझे मौत की तरफ ले जाएगा। कार्लोस टेक हिम अवे।
कूड़ खेल ली। चल जल्दी कर। सलामती चाहता है तो हमें वहां ले चल, जा हमारी माँ है। छोड़ो, छोड़ो, छोड़, छोड़ो, छोड़, 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 बता वेल जी ने उन्हें कहाँ छुपा के रखा है? मुझे नहीं मालूम। बताओ बताओ किस गोडाउन में है? बताओ। पहला गोडाउन है, इसमें है। खत्म कर दो सालों को। इससे पहले कि तेरे सीने में सुराख बना दो, बता हमारी माँ कहाँ है? बता, यहाँ है तुम्हारी माँ। अमर, कृष्णा। शाबाश, शाबाश मेरे वफादार। देखा, एक बोला कैसे पूरी बाजी पलट देता है। अब मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूं। Oh, Krishna!
मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। चुप। तुझे नीलम पर रहम आया था? मैं तुझे नहीं माफ करूंगा। छोड़ दो राजा, राजा छोड़ दो, कानून को हाथ में मत लो राजा, छोड़ दो। छोड़ दो उसको राजा, छोड़ राजा। वहां तो ठीक है ना राजा भैया? नहीं राजा भैया, कमिश्नर साहब, जुर्म को मिटाने के लिए मिटना भी पड़ता है। मत रो कृष्णा, मत रो, मत रो। माँ कृष्णा, मैं आ गया माँ। बहन जी, कृष्णा आपके बगैर नहीं रह सकता, और मैं नहीं चाहती कि मैं कृष्णा से अलग रहूं। जी बहन जी, हम सब लोग साथ तो रह सकते हैं ना?